कलम क्या कलम करेगा, जो जी चाहे वो नहीं करना, कहे आत्मा वो ही किए जा। जीवन है सुख दुख का मेला, मेले में हर कोई अकेला। नक्श कदम पर जग ये चलेगा, सही राह पर चल तू अकेला। कर्म किए जा, कर्म किए जा, कर्म ही कर्म का कर्म करेगा, कर्म ही कर्म का कर्म करेगा। अब मैं आपके मवक्किल से एक ऐसा सवाल करता हूं जिसका जवाब वो हां या ना में दे सकता है। तो कुत्ते के गले से जो पैकेट बरामद हुआ है, क्या वो आपका है? वकील साहब, मैंने कहा ना कि वो पैकेट मेरा नहीं है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि वो पैकेट किसी और का है तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा ना? जो चीज मेरी नहीं है उसमें मुझे क्यों का एतराज होने लग गया? कोर्ट रूम में कोई है जो इस पैकेट पर अपना दावा करना चाहता हो? मिलॉर्ड, कोर्ट रूम में कोई भी इस पैकेट पर अपना दावा नहीं करता है और कर भी नहीं सकता, क्योंकि यह पैकेट मेरा है। अब मैं इसी कोर्ट रूम में यह साबित करके दिखाऊंगा कि इस पैकेट में गर्व है कि नहीं। कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल टुमारो। मिस्टर सिन्हा, कोर्ट में आज बैरिस्टर केशव ने दावा किया है कि उस पैकेट में गर्भ है ही नहीं। कहीं आपने कोई हेरा फेरी तो? व्हाट नॉनसेंस! मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि उस पैकेट में कोकेन ही है। और अगर बैरिस्टर केशव ने यह कहा है कि उस पैकेट में कोकेन नहीं है, तो आपको तो खुश होना चाहिए। केशव आखिर करना क्या चाहता है? केशव ने जब उस पैकेट पर अपना दावा किया तो तुमने फौरन कोर्ट से उसका अरेस्ट वारंट क्यों नहीं निकलवाया? सर, ये बैरिस्टर केशव बड़ा ही चालाक आदमी है। समय देखकर उसने तीर छोड़ा ठीक 5 बजे। लेकिन आप भरोसा रखिए सर, कल वो मुझसे बच नहीं पाएगा। ये वादा रहा तुम्हारा मुझसे, वरना तुम नहीं बचोगे। प्रोसीड मिस्टर प्रोसिक्यूटर। यस सर। मिलॉर्ड, कार्रवाई शुरू करने से पहले अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। मिलॉर्ड, जब मेरे काबिल और माहिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये कहकर कि ये गर्द का पैकेट इनका है, इकबाल ने जुर्म कर ही लिया है, तो फिर इनके नाम का वारंट जारी किया जाए। मिलॉर्ड, ज्यादा खुशी भी सेहत के लिए हानिकारक होती है। वकील साहब को मेरी गिरफ्तारी की इतनी जल्दी भी क्या है? ये पैकेट मेरा है, मैंने ऐसा कहा था। लेकिन ये गर्द का पैकेट मेरा है, मैंने ऐसा नहीं कहा। हाँ हाँ, मगर लैब रिपोर्ट के जरिए यह साबित हो चुका है कि इस पैकेट में गर्द है। मिलॉर्ड, फौरन इनकी गिरफ्तारी का ऑर्डर दिया जाए। मिलॉर्ड, यही पॉइंट, यही मुद्दा मैंने अपने काबिल दोस्त को कल उठाने का मौका दिया होता तो इन्होंने तो मुझे जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया होता। तो क्या कल और आज में यह पैकेट बदल गया या कानून? ना तो पैकेट बदला है और ना कानून, लेकिन समय बदल गया है। कल कल था और आज आज। आज तो लैब रिपोर्ट को चैलेंज करने के लिए मैं अपने साथ केमिकल एनालिस्ट भी लाया हूं। मिलॉर्ड, ये रहे उसके सर्टिफिकेट्स। प्रोसीड। थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, अब मैं इस पैकेट में रखे हुए पाउडर से एक इंजेक्शन बनाने की इजाजत चाहता हूं। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, इस तरह के इंजेक्शन की इजाजत हरगिज नहीं देनी चाहिए। गर्द का इंजेक्शन
और वो भी अदालत में। डिफेंस लॉयर का ये कहना है कि इस पैकेट में गर्द है। अगर गर्द का पैकेट कोर्ट रूम में रह सकता है तो उसके एक छोटे से हिस्से से इंजेक्शन क्यों नहीं बन सकता मिलॉर्ड? मिलॉर्ड, सवाल इंजेक्शन बनाने का नहीं है, सवाल है गर्द के इंजेक्शन को लेने का। योर ऑनर, मैं यही साबित करना चाहता हूं कि इस पैकेट में गर्द है ही नहीं। मिलॉर्ड, अदालत में इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, और फिर यह इंजेक्शन लेगा कौन? डिफेंस लॉयर खामखा डर रहे हैं, यह एक्सपेरिमेंट नहीं है, और अगर एक्सपेरिमेंट है भी तो यह इंजेक्शन मैं लूंगा मिलॉर्ड। यह नामुमकिन है, अदालत में गर्द का सेवन हो ही नहीं सकता। आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट सॉरी मिलॉर्ड, आई स्ट्रांगली प्रोटेस्ट। अपनी सेहत का ख्याल किया कीजिए, आपकी ऐसी तबीयत खराब होगी तो आपके बेचारे मवक्किल क्या सोचेंगे? ओके, ठीक है, ये इंजेक्शन मैं नहीं लूंगा, ना मैं लूंगा ना किसी और को दूंगा। That's all, my lord. Congratulations, Mr. Keshav. Thank you. Excuse me, Keshav साहब, आपने कैसे जाना कि वो ब्लाइंड नहीं है? नजरों से जो दिल की बात जान लेता है उसे कहते हैं बैरिस्टर केशव। जिस अतीत में झांकने से वर्तमान को तकलीफ होती हो, ऐसे अतीत की ओर देखना ही क्यों? मैं अतीत को अपना गुरु मानता हूं, जब भी उससे मिलता हूं कुछ ना कुछ नया ही सीखता हूं। दादाजी जी, भविष्य बुला रहा है आपको, आज आप वॉक के लिए लेट हो गए। नम्रता बहुत पंक्चुअल लड़की है। नमस्ते देवी माँ। नमस्ते बेटी, कैसी हो? अच्छी हूँ। ये क्या दादाजी, आप वॉक पर नहीं चलेंगे? नहीं नहीं, जरूर चलेंगे, पहले हम वॉक पर चलेंगे और लौटते में मंदिर होते हुए आएंगे, ठीक है? तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? अच्छी हैं, उनकी तो नोकझोंक चलती रहती है। अच्छा, आप लोगों की बात खत्म हो गई हो तो वॉक पर जाएं हम लोग? जी बिल्कुल, चाहिए। बाय देवी माँ।